5 साल मैंने नौकरी किया, उसके बाद अभी मैंने पूरा के पूरा मतलब 100% फुल टाइम फार्मिंग कर रहा हूँ। नॉट इवन फार्मिंग मतलब कि नौकरी भी मैंने आज के डेट में छोड़ दिया। तो ये वीडियो पब्लिश जब तक होगा तब तक देखिएगा, इसी वीडियो में मेरा मतलब कि नया और एक कार का मतलब कि आप फुटेज देख पाइएगा कि मैंने कार ले कार की फोटो जरूर हमारे दर्शकों को भेजिएगा। जब एक युवा 5 साल की अच्छी खासी नौकरी छोड़ के स्वरोजगार के दहलीज पर खड़ा होता है तो दोस्तों जानते हैं सबसे पहले उसका स्वागत कौन कौन लोग करते हैं? स्वागत करते हैं बाधाएं, चुनौतियां, कठिनाइयां, मुसीबतें, और जो उन बाधाओं को पार करके और अपना एक मुकाम हासिल कर लेता है वो विजेता कहलाता है। और आज उसी विजेता के साथ मैं खड़ा हूँ वेस्ट बंगाल में। जी दोस्तों, पहुँचा हूँ बंगाल की धरती पर और मैं इस वक्त हूँ दुर्गापुर में, और मेरे साथ हैं वही विजेता, वही चैंपियन, मिस्टर सुब्रतो घोष। तो बहुत बहुत स्वागत है सुब्रतो घोष जी। बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों, सुब्रतो घोष जी की कहानी बहुत इंस्पिरेशनल होने वाली है आज, खास करके उन युवाओं के लिए जो कहीं ना कहीं कुछ बड़ा करने की सोच रखते हैं, सपने तो बड़े हैं लेकिन ज़िंदगी में डर के मारे कुछ कर नहीं पाते हैं। तो आज उनसे जानेंगे उनकी पूरी कहानी, और आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि आज ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। तो सबसे पहले सुब्रतो घोष जी, आप अपना पूरा परिचय दीजिए और इस लोकेशन के बारे में ज़रा समझाइए। हाँ, मेरा नाम है सुब्रतो घोष, और इससे पहले मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हुआ करता था, और 5 साल जैसे क्या बताया कि 5 साल मैंने नौकरी किया, उसके बाद अभी मैंने पूरा के पूरा मतलब 100% फुल टाइम फार्मिंग कर रहा हूँ। नॉट इवन फार्मिंग मतलब कि नौकरी भी मैंने आज के डेट में छोड़ दिया। और मेरा ये तो हो गया एक सिंपली परिचय हो गया एक सेंटेंस में बोला जाए, और दूसरी बात ये रहा कि यहाँ का अगर एड्रेस बोला जाए तो ये है एक पंचायत एरिया विलेज हड़ीकी, मतलब गाँव का नाम है हड़ीकी, पोस्ट ऑफिस है मलानदेघी, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में है ये, और डिस्ट्रिक्ट है पश्चिम बर्धमान, पिन कोड है 713212। बहुत डिटेल्स में बताया आपने। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सुब्रतो जी आपकी कहानी से, कौन सी नौकरी छोड़ी, कौन सी पढ़ाई की थी, तो ज़रा विस्तार से अपने प्रोफाइल के बारे में हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहली बात है कि हम मैट्रिक्स पास किए, उसके बाद हायर सेकेंडरी, उसके बाद मैंने आया कि चलो ये कुछ तो ऐसा कुछ काम करना है जो मतलब अपने लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि टाइम पास वाला, मतलब कि इन फ्यूचर में कोई काम हो जाए कि चलो ये 10-20 हज़ार का नौकरी कर रहे हैं, ऐसा मेरा सोच नहीं था। उसके साथ साथ ऐसा सोच, ऐसा ड्रीम था कि बड़ा कुछ करना है, इसीलिए शायद हमने जब मैट्रिक्स पास कर रहे थे तब मैंने सोचा कि ऐसा कुछ करना है, चलो इंजीनियरिंग करते हैं। तो हमने मैट्रिक्स पास करने के बाद हायर सेकेंडरी किया, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया इलेक्ट्रिकल ले के, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज से जो वेस्ट बंगाल का ही है। उसके बाद इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैंने 5 साल नौकरी किया, और नौकरी मैंने एक प्लेस में नहीं किया, वेस्ट बंगाल में भी 4-5 अलग अलग शहर में मतलब कि मेरा पोस्टिंग हुआ, अलग अलग 4-5 कंपनी भी मैंने छोड़ी है, ठीक है, और लास्ट में नॉट इवन मतलब कि एज ए साइट इंजीनियर, एज ए ट्रेनी इंजीनियर रहा, लास्ट तक मैंने साइट इंचार्ज भी रहा करता था और पावर ग्रिड का। तो इलेक्ट्रिकल विभाग में आपने नौकरी किया सुब्रतो जी, तनख्वाह भी आपकी अच्छी रही होगी। हाँ। बहुत अच्छी नौकरी भी है जिसको इज्जत के नज़र से समाज में देखते हैं, लेकिन फिर क्या वजह हुई नौकरी छोड़ने की? इसका वजह यही है कि हमने इंजीनियरिंग छोड़ के, जो एक अच्छा खासा प्लेटफॉर्म समाज में माना जाता है, उसको छोड़ के मैंने फार्मिंग क्यों कर रहा है और बिजनेस में क्यों है? इससे पहले एक हमको एक छोटा सा एक स्टोरी सुनाना चाहते हैं। जब हम इंजीनियरिंग कर रहे थे उसी टाइम से मेरा एक मकसद था कि जैसे कि इंजीनियरिंग कंप्लीट ना होते होते मैंने जैसे कि पासपोर्ट बना लिया था, ठीक है, कि हमको विदेश घूमना है, कहीं दूसरा शहर देखना है, दूसरा विदेश जाना है, ऐसे ऐसे सोच मेरा बड़ा था, ठीक है, कुछ ऐसे एज ए इंटरप्रेन्योरशिप मतलब कि हमको बनना है, कुछ करना है। तो उसी टाइम जैसे कि हम नेटवर्क मार्केटिंग मतलब पढ़ाई कर रहे थे एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने नेटवर्क मार्केटिंग के साथ भी मतलब इन्वॉल्व हुए, लेकिन वो मेरे लिए सक्सेस नहीं रहा, नॉट इवन सक्सेस, उसके साथ साथ मेरा जो पढ़ाई का जो करियर था वो भी मेरा ख़राब हुआ था, मतलब कि मेरा थोड़ा इलेक्ट्रिकल फील्ड से जो
मैं पढ़ाई कर रहा था, थोड़ा एक दो बैकलॉग भी आ गया था मेरा, ऐसा भी सिचुएशन रहा था। तो इंजीनियरिंग मेरा उतना अच्छा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर नहीं रहा, उसके साथ साथ पाँच दोस्त मिल के मैंने और एक मतलब कि एक होता नहीं स्टार्टअप बिजनेस, वो स्टार्ट करने की कोशिश किया लेकिन वो भी सक्सेस नहीं रहा। फिर मैंने डिसअपॉइंटेड हुआ थोड़ा पढ़ाई में, मतलब लास्ट ईयर में पढ़ाई में ध्यान दिया थोड़ा, उस टाइम थोड़ा अच्छा हुआ। फिर मैंने नौकरी के लिए मतलब कि अप्लाई किया, तो नौकरी मैंने चार कंपनी छोड़ी थी और पांचवा कंपनी में करते करते मतलब इधर में आ गए। ठीक है, तो मेरा सोच ऐसा ही था कि कुछ ऐसा करना है कि हमको मतलब कि मेरा एक परिचय बने, समाज में नाम मतलब आना चाहिए, और मेरा फ्यूचर जो जो एक सपना है वो ड्रीम है, मतलब ऐसा नहीं कि 60-70 उम्र में मतलब कि ऐसा एक गाड़ी में बैठे कि जो इस गाड़ी में फिलर है। गाड़ी में अगर बैठना है फोर व्हीलर में तो बैठना है कि 30 साल के अंदर ही बैठना है, 35 साल ज़्यादा से ज़्यादा, तो ऐसा सोच था। दूसरी बात यह है कि मतलब बिजनेस के साथ साथ और एक बात यही है कि जब मैंने बिजनेस में इन्वॉल्व होने की सोच रहा था कि हमको ऐसा कुछ करना है, उस टाइम और एक चीज़ हम देख रहे थे कि जब हम नौकरी कर रहे हैं तो एक डिपेंडेंट मतलब कि मेरा मैनेजर छुट्टी के लिए, अगर छुट्टी के लिए अप्लाई करें तो मैनेजर जब तक नहीं बोलेंगे, कोई शादी अटेंड करना है किसी का, किसी का अगर पार्टी अटेंड करना है तो मैनेजर से बोलना पड़ता है कि सर हमको छुट्टी चाहिए। अगर उन्होंने छुट्टी नहीं देंगे तो हम मतलब कि अपना मतलब कि जो भी काम होगा हम उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। रिस्ट्रिक्शन था, पाबंदियां रिस्ट्रिक्शन था, रिस्ट्रिक्शन था जो हमको बिल्कुल पसंद नहीं था। हम एक चाहते थे कि इंडिपेंडेंट लाइफ, अगर हम मतलब ऐसा भी दिन आया था अगर खाना खाने भी जाएंगे तो टाइम में किस लिए खाना खा रहे, ऐसा भी मतलब कि जवाब देना पड़ता, इस टाइम तुम थोड़ा ये काम कर लेता। तो ये जो लाइफ था बहुत स्ट्रगलिंग लाइफ था, मतलब नौकरी कर रहे थे वो स्ट्रगलिंग नहीं था लेकिन हमको डिपेंडेंसी जो था वो बुरा लगता था। तो ऐसा कुछ करना है कि खुद का मालिक खुद बने। ठीक है, इसीलिए उसी टाइम एक मेरे लिए एक मतलब प्लस पॉइंट बना था, ये जो सोनाली मुर्गी जिस फार्म में अभी खड़ा है, यही सोनाली जो मुर्गी का पालन आप देख रहे हैं, इस फार्म में मेरा पापा ने मतलब बाहर से चिक्स खरीद के बड़ा मुर्गा करके उसको मतलब बेच रहा था, तो एक फास्ट लॉट उन्होंने किया था। ये किस साल की घटना बता रहे हैं? ये मोटा मोटी आज से 3.5-4 साल, मोटा मोटी वही 2017-18 यानी कि आपके फादर उस समय सोनाली मुर्गी का फार्म चला रहे, जस्ट एक बार चलाए थे। अच्छा, एक बार। ठीक है, एक बार चलाए थे तो उनका जो फार्मिंग था, हम तो उतना सपोर्ट नहीं किए थे, बस उन्होंने गाँव में था तो उन्होंने किया, तो उसमें अच्छा खासा सक्सेस मिल गया, मतलब कि 1,20,000-30,000 उस टाइम की बात कर रहे हैं, 20-30,000 ऐसा ही कुछ उन्होंने लेके ये बिजनेस में इन्वॉल्व हुए थे। और 3 महीने के अंदर, जैसे कि मतलब ये मुर्गी आपका 3 महीने में इसको मतलब कि बेचने के लिए हो जाता है, तो 3 महीने के अंदर मतलब 80 दिन के अंदर मतलब ये मोटा मोटी मेरा प्रॉफिट बन गया था 90,000 के आसपास, 3 महीने में 90,000। तो वहाँ से मेरा क्लिक किया कि ये बिजनेस एक छोटा बिजनेस हो सकता है। सोच अलग है कि हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो ये करेंगे तो ऐसा मेरा फैमिली क्या बोलेगा, बैकग्राउंड क्या बोलेगा, मेरा जो पड़ोस लोग है ये क्या बोलेगा, वो बोलेगा, ये दिमाग में आ रहा था। तो हम बोले कि इसके साथ साथ और क्या मतलब इसका चेंज है, क्या कर सकते हैं। तो ऐसा देखे तो हम बहुत सारा मतलब गूगल में भी सर्च किए, नेट में सर्च किया, फिर मतलब जो इन बिजनेस के साथ पुराना है उन लोगों से भी बात किया, तो देखें कि इनमें 3-4 मतलब की कैटेगरी है जिसमें अगर हम खुद मतलब इन्वॉल्व होंगे तो हम सक्सेस बन सकते हैं। जैसे कि एक हो गया आपका ये फार्मिंग, मतलब कि सिर्फ बाहर से चूजा लेके चिक्स लेके उसको बड़ा करना और मार्केट में एज ए मीट पर्पस, चिक्स पर्पस, ये चिकन पर्पस इसको बेच सकते हैं, एक पार्ट हो गया। दूसरी बात हो गई कि ब्रीडर फार्म या लेइंग फार्म, मतलब कि अंडा के लिए, मतलब कि अंडा यहाँ से हम मतलब कि बना सकते हैं। तीसरी हो गया कि मशीन का मैन्युफैक्चरिंग, जैसे कि जिस मशीन में जो हैचरी मशीन बोला जाता है, जिस मशीन में चिक्स मतलब बनता है, एक अंडा मतलब कि फूटता है तो उसमें से जो चिक्स निकालता है वो मशीन हम बना सकते हैं। तो इसमें हम इन्वॉल्व हुए और एक छोटा सा मशीन, पापा तो ये बिजनेस तो एक लॉट होने के बाद दूसरा लॉट में भी मतलब तैयारी कर लिए थे, और हम एक छोटा सा मशीन मतलब घर में ऐसे यूट्यूब देखते हुए, नेट सर्च करते हुए एक छोटा सा मैनुअल मशीन बनाए, तो वो भी मेरे लिए क्लिकेबल हो गया। वो मेरा किचन में रखा हुआ करता था, मैनुअल मशीन था, तो 11 मतलब एग्स लेके 11 अंडा लेके मैंने उसको स्टार्ट किया था, तो वो भी मेरे लिए 21 दिन के बाद देखा कि मतलब अच्छा खासा रिजल्ट आया, मतलब कि 11 अंडा में 9 अंडा से चूजा निकला था, तो वो भी मेरा क्लिक हुआ। फिर मैंने 120 अंडा का एक मशीन बनाया, वो भी मेरा क्लिकेबल हुआ। तो मैंने देखा कि अब तो चलो यार कुछ तो मतलब कि मेरे लिए एक पैरामीटर आ गया कि हम कुछ कर सकते हैं। तो उसी से मतलब कि मैंने मशीन, एक बड़ा मशीन 7,000 कैपेसिटी का मशीन जो मेरा हैचरी में आप देखें, ठीक है, वो मशीन मैंने बनाया। उसके बाद और एक मशीन बनाया, नॉट इवन मशीन, खुद के लिए बना रहा हूँ, चिक्स निकाल रहा हूँ। आज के डेट में मेरा ऑल ओवर वेस्ट बंगाल हर कोने में ये सुब्रत घोष
मेरा फार्म का नाम है दिया इंक्यूबेटर एंड चिक सप्लायर। हर कोने में मेरा ये जो मेरा फार्मिंग है, मेरा जो बिजनेस है, हर कोने में मेरा नाम है। नॉट इवन वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, आसाम, गुवाहाटी तक भी मेरा बिजनेस का एक्सपेंडेड है, ठीक है। और बात यहीं पे नहीं रुकी, मैंने मशीन का भी मतलब कि सप्लाई स्टार्ट किया, ठीक है। मशीन खुद मेरा मैन्युफैक्चरिंग भी है, झारखंड में भी मशीन है, वेस्ट बंगाल में भी मशीन है, ठीक है। सुब्रतो जी, आप जब यहाँ आए, गांव में आए और आपका पूरा मन बदल चुका था और अब पूरा रिजाइनिंग दे करके नौकरी छोड़ छाड़ के आप लग गए और आपने एक पूरा नेटवर्क तैयार किया इसका, यानी कि मीट पर्पस, एग, लेयर फार्म, हैचरी मशीन, ब्रूडिंग, ये सब सारी चीजें इकट्ठे आपने, सारा कुछ मेरा यहाँ पे मेरे अंडर होता है, ठीक है। अभी कितना समय गुजरा है? एक बात और एक बात बोलते हैं, जब मैंने इसमें स्विच हो रहा था तो सबसे पहले ही मतलब कि हमने नौकरी को नहीं छोड़ दिया था, इसमें इन्वॉल्व तो हुए थे जी। हो सकता है कि मतलब 70% मैंने नौकरी भी कर रहा था, 30% पहले मतलब इन्वॉल्व हुए थे मशीन ये सब जब बना रहे थे छोटा मशीन, तब मैंने नौकरी नहीं छोड़ा था, पहले इसको एक्सपेरिमेंटल एज एक्सपेरिमेंटल मैंने देख रहा था। तो मेरा व्यूअर्स के लिए भी और जो लोग इस बिजनेस के साथ जुड़ना चाहते और लाइफ में कुछ करना चाहते उनके लिए मेरा ये मैसेज रहा कि अगर आप कुछ ऐसा कुछ करना चाहते, जैसे कि आज का डेट हो गया 27 जुलाई 2021, मतलब कि कोरोना का जो सिचुएशन, COVID-19 का जो सिचुएशन हुआ, इसके लिए बहुत इंसान के लिए मुसीबत हो गया, फैमिली को भी मेंटेन करना है, तो उनके लिए भी मैसेज रहा, अगर आप इस बिजनेस के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अगर कुछ कर रहे, छोटा मोटा कुछ कर रहे, तो उसके साथ साथ पहले इस बिजनेस को मतलब 100, 200, 300, 500 चिक्स लेके, मतलब एक थोड़ा सा छोटा अमाउंट देके आप इसको मतलब स्टार्ट करना चाहते हैं तो स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर ये क्लिकेबल हुआ, अगर आपके लिए सक्सेस बना एक लॉट दो लॉट करके, तो दादा आप मतलब कि उसके लिए, मेरा व्यूअर्स के लिए यही मैसेज रहा, तो बड़ा सारा कर सकते हैं और अपना जो प्रीवियस जो नौकरी है या कुछ बिजनेस कर रहे हैं तो उसको थोड़ा मतलब कि नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैंने भी इसमें नेग्लेक्ट किया था, लेकिन पहले नौकरी को नहीं छोड़ा था, 2-4 महीने 6 महीने तक मैंने ऑब्जर्वेशन किया था, ठीक है, उसके बाद मैंने छोड़ा था। आज के डेट में 100% मैं बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ, मतलब सुबह मतलब कि उठता हूँ तो रात में जब तक सोने के लिए जाता हूँ या रात में सोता भी हूँ तो मतलब इसी बिजनेस के साथ जी दोस्तों। और सुब्रतो जी की बता दूँ कि 5 साल की नौकरी में एक मुश्किल से स्कूटी खरीद पाए थे और आज देखिए कि 2 साल के उद्यमिता के दौर में आज तो स्कूटी है ही नहीं, साथ में अपनी कार भी है, एक मारुति कार रखे हैं और शायद अभी पूछा तो एक नई कार आप लेने गए थे। डेट में आपका ये वीडियो, मतलब आज का डेट हो गया 27 जुलाई 2021, तो ये वीडियो पब्लिश जब तक होगा तब तक देखिएगा, इसी वीडियो में मेरा मतलब कि नया और एक कार का मतलब कि आप फुटेज देख पाइएगा कि मैंने कार ले, कार की फोटो जरूर हमारे दर्शकों को भेजिएगा, देंगे मतलब कि आप बस एक हफ्ते तक वेट कर लीजिएगा ये कार का वीडियो पाने के लिए। मेरा तो एक स्कूटी 5 साल में तो एक स्कूटी मैंने परचेस किया था 29 अप्रैल को मैंने एक ये कमर्शियल गाड़ी भी लिया टाटा मोटर से, ठीक है, कमर्शियल गाड़ी भी इसी के कमाई से, इसी के कमाई से ही है और इसके लिए, क्योंकि मेरा चीक्स का सप्लाई करना है और इस महीने अगर 31 तारीख तक मैं काउंट करूंगा तो 43,000 मेरा चिक्स का सेल है इस महीने, तो इतना तो बाहर से अगर मैं भाड़ा में लूंगा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैंने खुद का एक मतलब कि कमर्शियल व्हीकल भी लिया, तो एक पुराना मारुति भी था, उसके बाद मैंने एक कमर्शियल व्हीकल भी लिया और आज का डेट में अगर ऊपर वाला साथ भी दिया तो देखिएगा कि ये वीडियो जब तक पब्लिश होगा तो फुटेज मिल जाएगा कि मेरा एक नया कार। बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कौन सी कार है अभी नहीं बताएंगे, लेकिन वो वीडियो में मिल जाएगा कि कौन सी कार हम लेने वाले हैं, ठीक है। सुब्रतो जी, तो अब आगे करें थोड़ा सोनाली पे, तो अभी जो चिक्स है सोनाली के पूरे इंडिया में आपकी सप्लाई है, तो किस कंडीशन पे सप्लाई करते हैं, रेट वगैरह कुछ बता दें। हाँ, इसका जो रेट है एक फिक्स्ड रेट सर नहीं है, ठीक है, फिक्स्ड रेट आपका ये 12 रुपये से लेके आपका 42-43 रुपये तक भी इसका रेट होता है, ठीक है, एज पर लोकेशन, एज पर मार्केट जो पॉलिसी, मार्केट स्ट्रेटेजी, मार्केट का डिमांड, सारा कुछ मिला के, ठीक है, इसका रेट होता है। जैसे कि आज के डेट में बोला जाए तो मेरे 24-25 में आज के डेट में मैं चिक्स मतलब सेल कर रहा हूँ, हो सकता है कि एक महीने बाद ये 30 भी हो सकता है या 20 भी हो सकता है, ठीक है, ये मतलब कि एक पैरामीटर मान लीजिए कि 12 रुपये से लेके आपका 40-42 रुपये तक भी चिक्स का प्राइस होता है। एक प्रश्न बहुत अहम सवाल है, उस पर थोड़ा मैं आपसे उत्तर जानना चाहूँगा और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि देसी हाइब्रिड नस्ल की बहुत सारी मुर्गियाँ थीं, तो सोनाली चुनने की क्या वजह थी, और भी आप बहुत सारे मुर्गों से करियर स्टार्ट कर सकते थे, कड़कनाथ था, बनराजा था, FFG था,
तो इसकी क्या रीज़न है? बिल्कुल, इसका एक ही रीज़न है, आपको ही मैं सवाल कर रहा हूँ। आप बोलिए कि ये जो सोनाली है मार्केट में किस नाम पे बेचा जाता है? सोनाली बोल के नहीं, ये तो देसी बोल के बेचा जाता है, ठीक है। और देखिए पूरा ऑल ओवर इंडिया कहीं पे किसी कोने में भी अगर चिकन पर्पज़ में अगर कोई भी चिकन खाते हैं तो एक होता है ब्रॉयलर पोल्ट्री, उसके बाद ही आता है देसी। एक हो गया, अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर समझना चाहते हैं तो ये हो गया एक मतलब कि विदेशी देसी, मतलब हाइब्रिड देसी हो गया, हाइब्रिड देसी हो गया, मतलब कि ये देसी नाम पे चलता है, सोनाली के नाम पे नहीं चलता। अगर ये सोनाली के नाम पे चलता तो हो सकता है इसका मार्केट इतना अच्छा नहीं रहता, ठीक है। मैंने शायद मेरा टेक्निकल बैकग्राउंड स्ट्रांग था, मैंने मार्केट ऑब्जर्व किया, मैंने थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया, इसीलिए हो सकता है कि मैंने सोनाली में रहा और सोनाली में मैंने देखा कि फ्यूचर है क्योंकि ये इसका मार्केट है। अगर मैंने कड़कनाथ करूँगा तो इसका 700 रुपये 800 रुपये तक भी किलो होता है, तो कौन आदमी नॉर्मल पर्सन तो इसको मतलब कि कोई परचेस नहीं करेगा, कोई अगर मतलब कि डिजीज़ वगैरह नहीं होगा, हाँ मतलब कुछ आदमी हो सकता है। तो एक तो माइनस पॉइंट हो गया मार्केटिंग, ठीक है। बनराजा बोलिए, टार्की बोलिए, या आप कड़कनाथ बोलिए, या दूसरा कुछ बोलिए, ठीक है। सबसे पहले मैंने इसको इसीलिए मैंने प्रायोरिटी दिया कि सोनाली नहीं, ये देसी नाम पे बिकता है, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको प्रायोरिटी दिया। अच्छा, इसकी पहचान भी थोड़ा बताएं कि सोनाली को कैसे पहचाने? हाँ, क्योंकि ये भी एकदम देसी मुर्गी जैसा ही दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो एक्चुअली बोलना तो मेरे लिए तो गलत बात है, लेकिन क्योंकि देखिए व्यूअर्स के लिए या जो बिजनेस करना चाहते हैं इनके लिए तो सही बात है, जानना जरूरी है, लेकिन पब्लिक के लिए बोलना मेरे लिए गलत बात है। फिर भी तो मेरा मैसेज पहुँचाना चाहिए, सही मैसेज, ठीक है। इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर एक देसी एक हाथ में रहेगा और एक हाथ में आपका सोनाली रहेगा तो इसको पहचाने कैसे? नॉर्मल पर्सन तो नहीं पहचान सकते, ये दुकान में कोई खरीदने के लिए जाते हैं मीट पर्पस या चिकन पर्पस तो वो पहचान नहीं पाते, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे? मान लीजिए कि कहीं से आप चिक्स परचेस कर रहे हैं तो चिक्स तो कुछ भी डाल सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे? आप देसी ऑर्डर किए प्योर देसी और आपको मतलब कि सोनाली दे दिया तो गलत हो गया आपके साथ, आप सोनाली ऑर्डर किए देसी दे दिया तो गलत हो सकता है, तो कैसे पहचानिएगा? तो सिंपल होता है कि जो देसी होता है उसका जो दो उंगली के बीच में जो होता है ये जो चमड़ी होता है, ये चमड़ी होता है पतला सा छोटा सा रहता है, पंजा जो होता है, मतलब ऐसे करके जो उंगलियाँ होता है ये, ठीक है, फिंगर के बीच में जो ये हो गया चमड़ी जो, ठीक है, इसका जो है ये जो चमड़ी हो गया ये वाला, ठीक है, ये आपका पतला होता है, ठीक है, छोटा होता है, और जो सोनाली का है ये थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक है, उससे बड़ा होता है। ये पहचान एक हो गया। दूसरी है सोनाली का जो आँख होता है थोड़ा ब्राउन टाइप का होता है, और जो प्योर देसी होता है उसका अगर कंपेयर करें तो आपका देसी का थोड़ा ब्लैक टाइप का होता है। तीसरी हो गया सोनाली का जो ये जो आपका नेक है मतलब कि हाँ गर्दन है थोड़ा सा लंबा होता है, और प्योर देसी का थोड़ा छोटा होता है। ये दो तीन चीज़ पहचान जो स्ट्रांग पहचान है। और एक होता है कि सोनाली का जो पैर होता है थोड़ा मजबूत होता है, मोटा होता है हड्डी, ठीक है, ये जो पैर होता है लेग्स, और जो आपका देसी प्योर देसी थोड़ा पतला सा होता है, ठीक है। तो यही तीन चार पहचान है जो मेरे लिए भी जानकारी था वही मैं बता दिया, तो ये सब देख कर पहचान सकते हैं इसीलिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये बताएं कि ये तो अभी मीट पर्पस से आपने यहाँ पे सोनाली, तो कुल कितने सोनाली अभी पालन हो रही है? देखिए मैंने तो शुरू किया था 1500 पीस लेके, आज के डेट में मेरा बेडर फार्म या मतलब कि जैसे कि उधर से थोड़ा देख सकते ये भी एक मेरा फार्म है, ठीक है, बगल में भी एक फार्म है, वो भी फार्म मेरा ही है, ठीक है, छोटा चिक से, तो सारा कुछ मिला के ऑलमोस्ट 5500-6000 के आसपास मेरा आज के डेट में फार्मिंग है, ठीक है। नॉट इवन यहीं पे ख़त्म होता है मेरा, जैसे कि मतलब कि हम बिजनेस आगे देख रहे हैं, ठीक है, तो अगले साल तक तो इसको डबल करने की सोच है। बहुत बहुत बढ़िया सोच है सर, और आप बिल्कुल जिस तरह से आप उद्यमिता में रच बस गए हैं वो डबल ट्रिपल हो ही जाएगी। तो ये बताएं कि इसकी जो अभी आपके हिसाब से इसकी मीट कितने दिन में बन के तैयार हो जाने लायक होती है? हाँ देखिए, अगर ब्रीड सही रहेगा, मतलब कि इसका जो पेरेंट्स होते हैं, मतलब कि जहाँ से चिक्स बन रहा है, मतलब कि ये जो जिसका अंडा जहाँ से लेइंग हो रहा है, मतलब कि इसका पेरेंट्स, ठीक है, तो वो अगर सही रहेगा, जेन्युइन रहेगा, और अगर मैनेजमेंट सही रहेगा, फीड का क्वालिटी सही रहेगा, चिक्स सही रहेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा 70 से 75 दिन, मैक्सिमम 80 दिन में आपका 1 किलो हो जाता है। और 901 किलो होना मतलब कि ये जेन्युइन आप इसमें से कमा सकते हैं दादा। और अंडे पे ले जाने के लिए अगर हैचरी वगैरह शुरू करना चाहें हमारे दोस्त, या फिर लेयर फार्मिंग पे आ जाएं, तो उसके लिए एक सोनाली कितने अंडे देती है और साल भर में अंडे पर ये कब आएगी? देखिए एक सिंपल सी बात है, आपका जो गाड़ी है, आपका जो बाइक है वो किस पे चलती है? आपका सिर्फ व्हील पे नहीं चलता, हैंडल से नहीं चलता, उसका ब्रेक भी होना जरूरी है, ठीक है। तो
नए फार्मर्स अगर है तो उनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर छलंग नहीं मरना है, ठीक है, जंप नहीं करना है, आप धीरे 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 ऊपर चढ़िए या धीरे 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 नीचे में आइए, ठीक है। अगर आप सोनाली में इंटरेस्ट रख रहे हैं या सोनाली करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, बाहर से चूजा लीजिए, चिक्स लीजिए और उसको बड़ा कीजिए। आपको इतना ज़रूरी नहीं है कि 1000 1500 2000 कीजिएगा, आप 200 500 से स्टार्ट कीजिए। और तीसरी बात यही रहेगा, अगर आप अंडा के पर्पस में हम करना चाहते हैं आप कोई मतलब कि फार्मर्स, तो पहले इसको 6 महीना 1 साल 1.5 साल आप ऑब्जर्व कीजिए, मार्केट स्ट्रेटेजी जानिए, इसका बीमारी जानिए, कैसे क्या होता है नहीं होता है, जानने के बाद आप मतलब इसमें इन्वॉल्व होइए अंडा के लिए, क्योंकि अंडा जब मतलब कि इसका लेइंग होता है इतना ईजी नहीं रहता है। सिंपल सा एक आपको एग्जाम्पल देता हूँ, जो महिला होता है जब वो छोटा रहती है, मतलब छोटी रहती है, तब उनके लिए जब तब वो प्रेग्नेंट नहीं होती, तब देख उसके लिए देखिए सिंपल कोई देखिए इतना बीमारी नहीं होता, जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चा होता है, उसके बाद ही देखिए मतलब कि जो प्रेग्नेंट औरत को बहुत ज़्यादा बीमारी स्टार्ट हो जाता है, सेम कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाता है। सेम फैक्ट इनके लिए भी है, जब ये लेइंग स्टार्ट हो जाता है मतलब अंडा देना स्टार्ट कर देता है तो कॉम्प्लिकेटेड इसका भी स्टार्ट हो जाता है। एक साल में कितना अंडा देती है सोनाली? 270 से 180 से लेके 270-80 तक ये देती है, ठीक है, एक मतलब कि सोनाली देती है। अगर ठीक से अगर इसको रखा जाए तो मोटा मोटी मान लीजिए कि मतलब ये तो 4-5 महीने से स्टार्ट होती है और 18 महीने तक, इसका जब एज 18-19 महीना होता है तो ठीक ठाक से 19 महीने तक ये लगातार मतलब कि अंडा देती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी दिया सुब्रतो जी ने। तो सुब्रतो जी, आप तो नौकरी छोड़कर आए और आज एक सफल उद्यमी हैं, तो आज आपके जैसे ही बहुत सारे युवा हैं जो उद्यमिता के क्षेत्र में आने से डरते हैं कि कहीं मैं ना इधर का रहूं और ना उधर का रहूं, तो वैसे लोगों के लिए जो युवा सोच रहे हैं कि व्यवसाय से अपना करियर बनाएं, उनके भी अपने सपने हैं लेकिन वो पूरे नहीं हो पाएंगे नौकरी से, वो ये जानते हैं, तो वैसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जो लोग घर में बैठे हैं चुपचाप, ठीक है, कुछ काम नहीं है अभी आज के डेट में, उनका जितना मुसीबत है कि इस बिजनेस से इन्वॉल्व होना आज के डेट में, तो मेरे लिए और भी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि हम अच्छा खासा सैलरी हमको मिल रहा था, 70,000 हमको सैलरी मिल रहा था एक महीने का, 70,000 का सैलरी, वो सैलरी छोड़ के बहुत टफ होता है डिसीजन लेना, टफ डिसीजन होता है कि एक इंजीनियर को एक फार्मिंग देख सकते हैं फील्ड का क्या सिचुएशन है, ये फार्मिंग करना एक इंजीनियर को मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब कि झेलना पड़ता है, क्या गाँव में क्या बदनाम होगा अगर सक्सेस नहीं हुई तो, ये नहीं हुई तो, वो नहीं होता, क्योंकि मैं नौकरी छोड़ने वाला था, अगर सक्सेस नहीं होगा तो क्या मतलब जवाब दूंगा, ठीक है। तो वो सिचुएशन अगर क्रिटिकल सिचुएशन अगर हम मतलब कि झेल के आ सकते हैं, तो आप तो घर में बैठे हैं ये कोविड सिचुएशन में, आपको तो कुछ करना ही है, चाहे फार्मिंग कीजिए या एक ग्रोसरी का मतलब कि एक शॉप खुलिए या कुछ भी कीजिए, एक ड्राइविंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको तो करना है ही। और फार्मिंग सबसे ज़्यादा मतलब कि आपके लिए बेनिफिट है कि ये आपके लिए करियर बन सकता है, इसीलिए क्योंकि ये देखिए डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है, ऐसा नहीं है कि शटर डाउन कर दिया दुकान में कोई पुलिस आके, ऐसा नहीं है, ये देखिए मतलब कि लॉकडाउन रहे चाहे कुछ भी रहे, जो लॉकडाउन में घर में हर कोई लोग बैठा हुआ था, ट्रांसपोर्ट का गाड़ी नहीं चल रहा था, उस लॉकडाउन में हमने लाखों रुपये हमने कमा लिया, क्योंकि ये लाइव स्टॉक का बिजनेस है, हमेशा ही चक्का घूमता है मेरा बिजनेस का, ठीक है, कुछ भी हो जाए मेरा बिजनेस का चक्का घूमेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने फीड का डीलरशिप लिया हुआ है तो फीड का भी सप्लाई दे रहा हूँ, मुर्गी का, सारा कुछ का, ठीक है, तो मेरे लिए ये एक प्लस पॉइंट है। तो बिजनेस ऐसा कीजिए कि लॉकडाउन आए चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आप जिंदा है तब तक आप मतलब इस बिजनेस को कर सकता है, ठीक है, ये मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट मैसेज है। तो बिना डरे आप कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कीजिए, मेरा जो कॉन्टैक्ट नंबर है, एड्रेस है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, टेलीफोनिक बात कर सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, 24/7 मैं रेगुलर बेसिस पे मतलब कि मेरा बिजनेस बढ़ाने के लिए मतलब कि लगा हुआ हूँ, आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ, ठीक है, बेझिझक आप आ सकते हैं मेरे एड्रेस में, एड्रेस आने के लिए डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स है, गूगल मैप में भी दिया इंक्यूबेटर एंड चिक सप्लायर अगर टाइप कीजिएगा तो मेरा एड्रेस मिल जाएगा, एक गूगल मैप सर्च करके भी देख सकते हैं, यूट्यूब में वीडियो में तो मेरा नंबर ये सब तो है, ठीक है, ईजिली आप आ सकते हैं। आसान नहीं है दोस्त, 70,000 की नौकरी छोड़ करके गांव में फार्मिंग शुरू कर देना, तो वही जज्बा होगा शायद कि फैसला होने से पहले भला मैं हार क्यों मानूं, जग अभी जीता नहीं है और मैं अभी हारा नहीं हूं।
तो इसी जज्बे के साथ आपको भी शुरुआत करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। निडरता के साथ, हौसले के साथ, विश्वास के साथ कुछ भी असंभव नहीं है। तो दोस्तों, इस वीडियो से आपको काफ़ी मोटिवेशन और प्रेरणा मिली होगी, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है तो आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा, अलविदा कहना चाहूँगा। कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट में लिखें, सुब्रतो जी का नंबर दिया हुआ है उस पर कॉल करके आप पूछें, और हमारे दोस्तों को ये मदद करने के लिए तैयार हैं। बंगाल से हमारा भाई एक खड़ा है हमारे सारे दोस्तों को मदद करने के लिए। तो इसीलिए तो सर मैंने गाड़ी भी लिया कि आपको मतलब कि हमेशा 24/7 मतलब कि आपको मैंने सर्विस दे पाऊँ। ठीक है, कोई सामान लगेगा तो मेरा कॉमर्शियल गाड़ी है, कॉमर्शियल गाड़ी से भेज सकता हूँ, या पर्सनल मिलना है तो आपके लिए वही, इसीलिए तो आज गाड़ी भी खरीदने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसीलिए तो आपके सेवा के लिए मैं हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। और जिनका नेगेटिव सोच है, आप नेगेटिव मत सोच रखिए, वीडियो के नीचे में कमेंट्स में गलत मत लिखिए, हो सके तो मेरे पास आइए, सबसे पहले मिलिए। अगर कोई भी चीज़ मेरे से मिलने के बाद नेगेटिव लगा या मैं झूठ बोल रहा हूँ लगा, तो वीडियो में कुछ भी आप लिखिए, ठीक है, लेकिन वेरीफाई के बिना आप कुछ मत लिखिए। ठीक है, ऐसा यही मेरा सोच है। 384 किलोमीटर दूर आया हूँ, इस झूठ के लिए नहीं आया हूँ दोस्त, सब देखा है इनका, इनकी बहुत अच्छी हैचरी भी है, मशीन भी है, नेक्स्ट वीडियो उसी पर आएगी, उससे भी इनसे बहुत अच्छी खासी जानकारी लेने वाला हूँ। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं सुब्रतो जी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में, इनकी हैचरी बिजनेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।